हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये जो वीडियो बनी है एफिडेविट की रिगार्डिंग बनी है कि एक्चुअली अभी जो है दो तीन कमेंट भी आए मेरे पास और मैसेजेस भी आए सर, एफिडेविट में जो है बड़ी परेशानी आ रही है, कैसे बनाए, कहाँ मिलेगा हमें और कहाँ कौन सा मैटर जो है एफिडेविट में लगना चाहिए। और लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स वह डरा देते हैं, स्टूडेंट्स को जो न्यूली अभी जो करते हैं कि एफिडेविट सही बनना चाहिए कहाँ से, क्योंकि एफिडेविट में क्या 100 रुपीज़ का जो स्टैम्प लगाना ज़रूरी है। अगर आप नोटरी वाले चैम्बर में जाते हैं, लॉ चैम्बर में जाते हैं, तो वो लोग क्या आपको 110 का या 50 रुपीज़ का लगा के आपको एफिडेविट बना देते हैं, तो वो इशू हो जाता है, आगे फॉर्म रिजेक्ट होने की डर होता है उसके अंदर। ये वीडियो जो खास तौर से जो बनाए एफिडेविट के ऊपर बनाए कि आप सही तरीके से एफिडेविट बनवाएं, आपको परेशानी नहीं आए। तो सबसे पहले आपको जाना है लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पे जाके आपको प्रोफार्मा खोलना है। प्रोफार्मा में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक जो हिंदी में ये पूरा फॉर्म खुलेगा, ये 14 पेज का, इसके अंदर आपको जो 11th पे जाना है। आप 11th पेज पे जैसे ही जाएंगे इसके अंदर, तो ये आप देख पाएंगे प्रोफार्मा का जो है 7, और यहाँ 100 रुपीज़ का जो दिया हुआ, जैसे 100 रुपीज़ का आपको लॉ चैम्बर में जाके जुडिशरी स्टम्प लगाना पड़ेगा, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद फिर आप 100 रुपीज़ का ही देख के उसमें लगवाएं, तो आई थिंक लॉ चैम्बर का 100 रुपीज़ का लगाने के बाद वो 180 या 200 समथिंग चार्ज करेंगे। जो भी चार्ज करें वो आपको इसमें देना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर यहाँ फॉर्म जो है पूरा जो मैटर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये स्टूडेंट्स जो है पूरा आपको ये पूरा उस पर प्रिंट कराना पड़ेगा। और देन इसमें जैसे ये मैं लिखा हुआ है, तो मैं की जगह या आप अपना नाम लिखेंगे या और पुत्र पुत्र पुत्री, एंड देन आपके पिताजी का नाम आएगा यहाँ पर, निवासी आप मध्य प्रदेश में किस जगह से यहाँ फिल करना है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो सबसे लास्ट वाले में उसके अंदर आपको जो है 2022 से 2021 से 2022 फिल करना है। देन इसके बाद फिर इसके अंदर जो है नोटरी वाला जो स्टम्प लगता है वो लगेगा, पूरा कंप्लीट करके वो आपको देंगे, देन फिर आपको इसको अपलोड करना है। तो इसमें ध्यान रखने की चीज़ जो दो चीज़ें जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें 100 रुपीज़ का स्टम्प आपको लगवाना है, इसके अंदर 50 का या 10 का नहीं लगवाना। और देन उसके बाद फिर आपको जो है पूरा जो मैटर है ये पूरा एग्जैक्ट ही छपेगा इसके अंदर, ये पूरा प्रिंट होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और अच्छे से इसको स्कैन करके फिर जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है आपने देखी होगी उसके अंदर अपलोड करना है। इसमें गलती नहीं करें स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनी। और कोई भी कोई इश्यू आए आपको तो बिल्कुल कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच।